दिल्ली में जो हिंदू और मुसलमान के दंगे हुए हैं, इसको मैं स्ट्रेट अवे बीजेपी को कसूरवार मानता हूं। होम डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट के पास है। 3 दिन तक दंगे चलते, और पुलिस अवेलेबल नहीं रही। और अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर, आईबी फेलियर, होम सेक्रेटरी फेलियर और पुलिस कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल फेलियर। पुलिस अगर से राइट टाइम पे आ जाती थी तो कई मासूमों की जान बचती थी। और ये दंगे होने का मेन कारण क्या है? CAA, NRC, पहले दिन से कांग्रेस पार्टी एक बात बोल रही, आप ये बिल को वापस लीजिए, आप हिंदू और मुसलमान में शर पैदा कर रहे हैं, देश के सुकून और अमन को आप प्रॉब्लम में डाल दे रहे हैं। जरूरत नहीं है ये बिल की। और वहां पे प्रधानमंत्री और अमित शाह, हम एक इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। और पहले से हम और हमारी पार्टी, देखिए साहब, हिंदुस्तान जलेगा। आप एक जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की जिद में कई मासूम मर जाएंगे। उसके अंदर हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे। और जितने भी लोग भड़काऊ भाषण दिए, आज के दिन तक भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोले बाद भी आप एक को भी अरेस्ट नहीं करे, आप कपिल शर्मा को आप अरेस्ट नहीं करे, आप परवेश बोल के जो MP है उसको अरेस्ट नहीं करे, आप अरुणाग ठाकुर जो मिनिस्टर है उसको आप अरेस्ट नहीं करे, आप बीजेपी के दूसरे जो MLA है उनको आप अरेस्ट नहीं करे। आपको कन्हैया लाल को अरेस्ट करना आता, शेरजिल इमाम को अरेस्ट करना आता, मासूम स्टूडेंट्स के कॉलेजों में घुसना आता। आप एक मिसाल बनाइए। अरविंद केजरीवाल भी 2 दिन तक दिखे नहीं, उनको भी मैं कसूरवार ठहराता हूं। चलिए, होम डिपार्टमेंट उनके हाथ में नहीं है, पर वो मुख्यमंत्री है ना, तो टोटल जिम्मेदारी ये जो दंगों की है ये बीजेपी लेना। अमित शाह जो चुनाव के प्रचार में हर एक गली गली फिर रहे थे पर्चा लेके, आज अमित शाह नजर नहीं आते, प्रधानमंत्री नजर नहीं आते, उनके दूसरे मंत्रियां नजर नहीं आते। तो टोटल पुलिस फेलियर, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। और इमीडिएटली अब आप जैसा पुलिस डिप्लॉय कर दिए और दिल्ली में अमन और शांति हो रही, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और जो घर में मर गए उनके वालिद और वालदा से पूछिए,
उनके बच्चे मर गए बाद दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता। एक वालिद एक वालदा अपने बच्चे की अर्थी उठाओ या जनाजा। ऐसे वक्त के ऊपर अल्लाह उनको सबर दे, उनको हिम्मत दे। और जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कौन से भी पार्टी के हो, चाहे आप पार्टी के रहो, बीजेपी के रहो, कांग्रेस के रहो, कोई भी जमात के रहो, आप इमीडिएटली उनको अरेस्ट करिए, हवालात के पीछे डालिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालिए और डबल सजा देगी आप। हैवानियत दिल्ली में, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी सारे हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा है। दिल्ली में बैठे हुए रहते आप, आपके नाक के नीचे हो रहा और आप संभाले नहीं। टोटल फेलियर होम डिपार्टमेंट, टोटल फेलियर बीजेपी गवर्नमेंट, और इसके जिम्मेदार कसूरवार नरेंद्र मोदी अमित शाह। अब तो भी मेहरबानी करके वो CAA को वापस लीजिए, कई को हमारे को बेकार का बिल हिंदुस्तान को तोड़ दे रहा। अरे हिंदुस्तान दुनिया के अंदर ऐसा एक मुल्क है जो इतिहाद के लिए जाना जाता, हमारी अनेकता में एकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आए जब बोले द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू यू, आप एक इंसानियत का एक सिंबल है, वो हमारा हिंदुस्तान है, वो हमारा भारत है। मेहरबानी करके आज ऐसा दिल्ली जला, हमारे को बहुत तकलीफ है, हर किसी को बहुत तकलीफ है, मेहरबानी करके हिंदुस्तान को जलने से रोकिए। आज दिल्ली थमी, कल दूसरे हिस्सों में स्टार्ट होगा। शर पैदा करने वाली बिल को ख़त्म करिए, ये हिंदू मुसलमान ख़त्म करिए। आप डेवलपमेंट की बात करिए, इंसाफ की बात करिए, और एक सबक, एक लेसन, एक एग्जाम्पल, बीजेपी गवर्नमेंट, हम दूसरे गवर्नमेंटों के ऐसे नहीं हैं, हम एक ईमानदार गवर्नमेंट है। और कोई भी हो, हमारी पार्टी का हो, हम उसको जेल को भेजा देंगे, सजा दे देंगे, पार्टी से सस्पेंड कर देंगे, और वो जितने भी लोग मरे उनको नौकरियां दिलाएंगे। एक्स ग्रेशिया तो देते बोल रहे हैं आप, एक जान गई बात, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर जो भी है, आप वो खानदानों को मदद करिए, और अमित शाह निकल के जो मर गए उनके घर को जाइए, नरेंद्र मोदी जो मर गए आप उनके घर को जाइए। अभी मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, आप हैंडीकैप प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर के साथ दिखे, अभी अब जो माजूर है उनसे मिलने चले गए आप। चलिए वो बेहतरीन काम है इंसानियत का, मगर जो मर गए बेकसूर, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, 40 के ऊपर मर गए, उसमें हिंदू आए मुसलमान आए। अगर से आप हिंदुस्तान को अपने बच्चों के वैसा देखते नरेंद्र मोदी, तो आप उनके घरों को क्यों नहीं गए? मेहरबानी करके जाइए, और ये CAA और NRC आप लोगों के दिमाग से निकाल देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।